हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बकरवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स पोस्टिंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में बिहार बोर्ड द्वारा 2014 में जो पेपर हुआ था उसमें डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2014 के पहले 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 में जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे उन सभी का सॉल्यूशन भी अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स के आधार पर ही आप लोग का जैसे कमेंट्स आता है, जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आता है उसी हिसाब से लेक्चर को तैयार किया जाता है। कुछ दिन पहले आप लोग का कमेंट्स आया था, मैक्सिमम लोगों का कमेंट्स आया था कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देख रहे हैं आप, ईयर वाइज सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है, किया जा रहा है। 2014 का ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, इसके बाद 2015, 16, 17, 18, 19 और आगे के क्वेश्चन भी अपलोड होते रहेंगे। फिर भी आप लोग के इसी बीच ये भी कमेंट्स आने लगे हैं कि सर वेक्टर और 3D के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कीजिए। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा धैर्य रखें और इस बात से निश्चिंत रहें कि बिल्कुल वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं उसके बाद हम लोग वेक्टर और 3D पर वीडियो ही अपलोड करेंगे, ठीक है। आप से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल से जुड़ने का बस एक ही उपाय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप चैनल से जुड़े रहेंगे और जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है। देख रहे हैं यहां से एक मार्क्स, वन मार्क्स, ये कितना है, टू मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2014 में जो भी पेपर थे यानी आए थे, तो 2014 में बिहार बोर्ड द्वारा पहली बार ऐसा पेपर सेट किया गया था, यानी पैटर्न चेंज किया गया था, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था 2009 के बाद। क्योंकि 2009 के बाद जब भी पेपर हुआ था सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ही था, लेकिन 2014 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ही नहीं। जो पेपर तैयार हुआ उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन देख रहे हैं ये 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स। तो ये फिल द ब्लैंक्स है, ये फिल द ब्लैंक्स है, इसमें आपको dy by dx फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब नहीं था तो इस पूरे को हम लोग एक ही साथ सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन है डी साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। तो ये बताइए, यहां पर फॉर्मूला तो सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इनकी जो साइन के एंगल में है वो बटा में भी आएगा। तो साइन के एंगल में क्या है, रूट एक्स है, तो बटा में क्या आएगा, डी रूट एक्स, और जब नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा, तो ये डी रूट एक्स बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है, रूट एक्स इन टू, यहां पर क्या है, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 √x, और यही हो जाएगा आंसर, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स को टेन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर किसका पावर है, तो टेन एक्स का पावर है, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स, देख रहे हैं जिसका पावर एक्स का पावर है तो बटा में एक्स आया है, तो यहां पर टेन एक्स का पावर टू है तो बटा में क्या आएगा, टेन एक्स, यानी कि डी टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स, ऐसे होगा ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर को बाहर और पावर में से एक कॉम, ऐसे ही, तो यहां से दो को बाहर कीजिए, तो ये टू टेन एक्स का पावर दो है और एक कॉम करेंगे फॉर्मूले के आधार पर, तो यहां एक हो जाएगा, और टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा, सही है।
अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू वन बाई साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस ई का पावर एक्स, लिख सकते हैं ऐसा? जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। तो ये भी आंसर हो गया, सही है? ये वन मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसीलिए इसको हम इतना इजीली सॉल्व कर पाए। अब यहां पे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, और ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे, दो मार्क्स के। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन गिवन, और क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू गिवन है ना, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई के जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे। अभी तो केवल डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये सेट कर दिए, लेकिन ये बताइए क्या यहाँ फॉर्मूला सेट है? तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स, जो भी आप यहाँ पर देख रहे थे इसका फॉर्मूला ये। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो रूट के अंडर में है वही डी के साथ है यहाँ, है ना? तो यहाँ पर रूट के अंडर में क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। और जो नीचे है ऊपर भी जाएगा, तो ये डी ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए, हम लोग थोड़ा सा इसको और एक सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसके आधार पर वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स यानी ये पूरा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन हो जाएगा ऐसे। और यहां बताइए, जब आप इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ ये ऐसे आएगा, कैसे, यहां देखिए यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, देख रहे हैं, यहां से अलग अलग करेंगे तो ए को बाहर डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, प्लस यहां से बी को बाहर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन तो कॉन्स्टेंट है बाई डी एक्स। अब यहां से क्या आएगा, वन बाई टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, तो यहां ए है तो ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू वन, तो बी इन टू वन बी, और इसका तो जीरो खत्म, एंड दिस इज एंसर, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी कितने मार्क्स का है, देख रहे हैं टू मार्क्स का। क्या करना है हम लोग को, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ये थीटा वेरिएबल में है, वाई इक्वल टू ये भी थीटा वेरिएबल में है, तो आप फॉर्म देखते के साथ ही समझ गए होंगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म पर है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और तब निकालेंगे dy by dx। तो देखिए लिखेंगे, गिवेन x इक्वल टू a cos थीटा, तो क्या करेंगे, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां से हो जाएगा dx by d थीटा इक्वल टू a को बाहर और ये d cos थीटा by d थीटा, होगा ना ऐसे। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या दिया है, तो देखिए यहां से बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहां से ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी को बाहर और ये डी साइन थीटा बाई डी थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा,
तो ये हो गया बी कॉस थीटा, होगा ना, ऐसे समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और यही वैल्यू पुट कर देना है। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, यहां से माइनस ए साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा एंड दिस इज आंसर, हो जाएगा ऐसे। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझ इसको क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का आया था, 2014 में 3 मार्क्स का आया था, सही। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद है तो ये बहुत आसानी से बनेगा, सही है। अगर नहीं याद है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद होगा, और सोच रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला, तो आइए आपको बताते हैं। एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, पढ़े थे ऐसा, क्या पढ़े थे फॉर्मूला थोड़ा याद कीजिए। आप पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस, अब वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, सही है ना। कहां पढ़े थे फॉर्मूला, तो ये पढ़े थे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। यही फॉर्मूला हम लोग को यहां पर यूज करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग पहले फॉर्मूला पर सेट करते हैं, अब कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब ये बताइए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स क्या देख रहे हैं, एक्स, अगर हम लोग यहां पर ए रखें यहां पर बी रखें, चलिए ए बी करके बताते हैं क्योंकि इसमें भी एक्स है, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर यहां पर ए बी कर दें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, अब ठीक है। तो ये बताइए इसको और इसको थोड़ा सा देखिए क्या देख रहे हैं, देख आप ये रहे हैं कि यहां देखिए एक्स है तो यहां पर एक्स रहेगा, बाहर में क्या है ए, तो ये एक्स है, लेकिन रूट अंडर क्या है, तो एक रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर है, तो वन माइनस किसका स्क्वायर करें, देख रहे हैं फॉर्मूला में क्या है वन माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर किसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर करके लिखेंगे, तो यहां पर लिखना पड़ेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। फिर क्या है माइनस है और यहां भी देख रहे हैं माइनस है तो माइनस, फिर बाहर में क्या है बी, और बी के स्थान पर क्या है रूट एक्स, देखिए हम लोग का ये आ भी गया बी का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर आ भी गया है, तो ये हो गया रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे है वैसे ही, केवल चेंजिंग कहां की है, तो यहां पर एक्स रूट के अंदर में क्या चाहिए था वन माइनस स्क्वायर, तो एक्स को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं रूट एक्स का। अब आप इसको इस फॉर्मूले पर सेट कीजिए, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि सिंस साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू वन माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू वन माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे फॉर्मूला डालते हैं यहां पर। तो देयरफोर वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए ए बी, ये ए है और ये बी है, तो ए के स्थान पर एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स,
माइनस है, तो यहां पर देखिए माइनस आया है, माइनस है। फिर क्या है, साइन इनवर्स बी, बी के स्थान पर क्या है, रूट एक्स है, तो ये साइन इनवर्स रूट एक्स। सही है, अब ये क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। यहां पर देख रहे थे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यहां पर क्या कर दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके हम क्या कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किए और ये बहुत ही आसान हो गया। अब यहां से क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएट कर देना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स का डी साइन इनवर्स एक्स वाई डी एक्स माइनस इस साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो डी साइन इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स, ऐसे होगा ना। अब ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, लेकिन क्या यहां पर भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं साइन इनवर्स के एंगल में क्या है, एक्स है तो बटा में एक्स है, लेकिन यहां पर क्या है रूट एक्स है, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, रूट एक्स आना चाहिए, आना चाहिए, तो रूट एक्स लाएंगे। अब क्या आएगा, डी साइन इनवर्स रूट एक्स, तो डिवाइडेड बाई डी रूट एक्स, और नीचे आया सो ऊपर जाएगा, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स, सही है ना। अब क्या आएगा यहां से देखिए, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये जैसे है वैसे रन दीजिए, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस है तो माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर इसमें भी लगेगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस, ध्यान देंगे क्या है, वन माइनस, यहां पर देखिए x था तो x का स्क्वायर, यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो केवल x आएगा, आएगा ना ऐसे इनटू, अब क्या आएगा, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो यहां पर लिखेंगे वन बाई टू रूट एक्स, सही है। आप चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आंसर, सही है। तो ये रहा 2014 में आया हुआ छठा क्वेश्चन। एक और लास्ट सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो भी 2014 में ही आया था और अभी थ्री मार्क्स का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन को कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं। यह पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू और वाई इक्वल टू ए साइन टी, तो देखिएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो और डिफरेंशिएट करना है वो भी टू टाइम्स, देखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इत्मीनान से बनाइएगा और अच्छे से समझते हुए बनाइएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालने जाएंगे यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, वहीं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना पड़ेगा कि x को देखिए किस वेरिएबल में है, x t वेरिएबल में है, तो x को हम क्या कर सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर क्या है, y भी क्या है, t वेरिएबल में है, तो y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान देंगे, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन, और गिवन में x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, ऐसा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोग को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ऐसे, तो x के स्थान पर dx एक्स बाई डी टी, ऐसे, इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू, सही है, डी कॉस टी बाई डी टी प्लस इसको अलग, तो डी लॉग टेन टी बाई टू और बाई डी टी,
ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तो सेट है यहां, तो ये हो जाएगा a इन टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन टी तो हो गया प्लस। लेकिन क्या यहां फॉर्मूला सेट है, तो फॉर्मूला सेट नहीं है क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं d log x डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। लॉग के साथ क्या है, लॉग के साथ यहाँ x है, लॉग के साथ x है तो बटा में भी x आना जरूरी है, तभी ना फॉर्मूला होगा वन बाई एक्स। दूसरा इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा डी टेन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी देखिए डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला यूज करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि फॉर्मूले का यूज कब करना है और कैसे यूज करना है ये जानना जरूरी है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लॉग के साथ क्या है एक्स, तो बटा में डी एक्स आया तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा वन बाई एक्स। यहाँ पर क्या है टेन के साथ क्या है एंगल में एक्स है एंगल में, तो बटा में क्या आया एक्स आएगा तभी फॉर्मूला सेट होगा। यहाँ देखिए क्या लॉग के साथ देख रहे हैं क्या है टेन टी बाई टू, बटा में तो नहीं है तो पहले उसको लाना पड़ेगा, तो लाते हैं क्या आएगा डी लॉग टेन टी बाई टू डिवाइडेड बाई डी टेन टी बाई टू, फिर ये ऊपर भी जाएगा तो डी टेन टी बाई टू और बटा में डी टी है तो डी टी रख दीजिए। समझ में आया, फिर समझिए लॉग के साथ क्या है टेन टी बाई टू बटा में आया जो नीचे आया सो ऊपर भी जाएगा और डी टी है तो डी टी नीचे आएगा। अब आगे बढ़िए ये है ए माइनस साइन टी रहने दीजिए प्लस। अब क्या यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो पाएगा, तो बिल्कुल यूज हो जाएगा, लॉग के साथ जो है वो बटा में आएगा तो क्या होता है वन बाई एक्स और यहाँ एक्स के स्थान पर तो टेन टी बाई टू है तो ये हो जाएगा वन बाई टेन टी बाई टू इन टू। समझ में आ रहा है। अब बताइए यहाँ पर तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो टेन के एंगल में है बटा में आएगा, तो यहाँ पर टेन के एंगल में क्या है टी बाई टू है तो टी बाई टू बटा में आना चाहिए, तो ये डी टेन टी बाई टू डिवाइडेड बाई डी टी बाई टू इन टू डी टी बाई टू डिवाइडेड बाई डी टी। समझ में आया क्या किए, जो टेन के एंगल में वो नीचे आया, जो नीचे है सो ऊपर गया और डी टी है तो डी टी बटा में आ गया। अब इसके बाद देखिए तो यहां से देखिए ये हो जाएगा ए इन टू माइनस साइन टी प्लस। अभी बताइए वन बाई टेन है तो इसको हम कॉट लिख सकते हैं क्योंकि वन बाई टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, अब टेंथ क्लास में भी पढ़े थे तो ये कॉट टी बाई टू हो जाएगा इन टू टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा इन टू यहाँ से वन बाई टू देखिए डी इसको लिख सकते हैं वन बाई टू टी बाई डी टी लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई टू को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना ऐसे, तो यही काम हमको यहाँ कर देना है, क्या कर देना है इसके जगह डायरेक्ट लिख देना है 1 बाई टू, लिखिए 1 बाई टू लिख दिए। अच्छा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए डी एक्स बाई डी टी ही फाइंड कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं डी एक्स बाई डी टी ही फाइंड कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इन टू ध्यान दीजिए माइनस साइन टी प्लस। ये बताइए इस कॉट के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो लिखिए कॉस ये तो घेर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा कॉस टी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन टी बाई टू इन टू। अब यहां देखिए ये क्या है सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू इन टू वन बाई टू है तो वन बाई टू रहेगा ये। अभी बताइए यहां पर कॉस स्क्वायर है यहां पर एक है तो ये एक इसमें से एक कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा माइनस साइन टी प्लस, ये इसमें से एक कैंसिल कर देगा तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा तो वन बाई ये टू इंटू ये साइन टी बाई टू इंटू ये कॉस टी बाई टू हो जाएगा ऐसे। अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या बोले यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर एक है
तो ये एक इस एक से कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, यहाँ पर cos t by 2 तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ही है, देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है कैलकुलस में, सबसे ज़्यादा अगर फॉर्मूला यूज में आता है तो ट्रिगो का ही फॉर्मूला यूज में आता है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो देख रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, साइन ए का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, किसका फॉर्मूला है तो ये है साइन ए का, इलेवेंथ क्लास में आप ये पढ़े थे। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है तो साइन ए, टी है तो साइन टी, ऐसे आ जाएगा, आएगा क्या, इसको ऐसे लिख दें ए इंटू वन बाई साइन टी माइनस, देखिए इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, सही है। अब क्या करते हैं यहाँ पर घटाव कर देते हैं, तो ए एलसीएम हो जाएगा साइन टी और ये वन माइनस, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, सही है ना। तो क्या आ रहा है यहाँ से, देखिए डी एक्स वाई डी टी का ही वैल्यू अभी आ रहा है, तो डी एक्स वाई डी टी क्या आ गया ए, और ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन, क्या होगा कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। अब यहाँ से ठीक है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, जो ये हम लोग वैल्यू फाइंड किए ये किसका वैल्यू था, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू था, देख रहे हैं डी एक्स बाई डी टी ही निकालने में इतना समय लग गया ना, लेकिन जब डी वाई बाई डी टी निकालेंगे ना तो ये बहुत ही आसान होगा, बस कुछ सेकंड में निकल जाएगा। तो थोड़ा सा पहले इसको साफ करते हैं, तो ये जो आया क्या आया डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए हम लोग को फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ समझिए हम लोग क्या करते हैं, हम डी एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब वाई को करते हैं, सिंस एंड सिंस वाई इक्वल टू कितना है ए साइन टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी का फंक्शन है टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए और ये डी साइन टी बाई डी टी, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो कॉस होता है, इसलिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, आ गया ऐसे। अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको समझिए इसका मतलब क्या, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि y को डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि y को टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट कीजिए लेकिन दोनों के दोनों बार t के ही रेस्पेक्ट में, तो यहां पर डी वाई बाई डी टी यानी कि y को t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इसके जगह क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, सही है, और ये हो जाएगा ए डी कॉस टी बाई डी टी, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए और ये साइन टी एंड दिस इज आंसर, सही है। तो ये जो आया क्या आया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, ये अब क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको याद होगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ये तब ना आएगा जब पहले डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए और तब उसके बाद और डिफ्रेंशिएट करें, तो पहले देखिए लिखते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो हम लोग डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, सही है ना। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और डिफ्रेंशिएशन वाले लिस्ट में आप देखिए उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म वाले लेक्चर को, उस पर बहुत अच्छे से क्लियर करके कॉन्सेप्ट भी डाला गया है और एग्जाम्पल भी डाला गया है, अगर आप उस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि डी ओ बाई डी एक्स इक्वल टू ये कैसे आ रहा है,
सही है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो dy बाई dt का वैल्यू कितना आया है a cos t, कितना आया a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू यहां से देखिए a cos square t डिवाइडेड बाई sin t, ऐसे ही ना है। अब ये साइन तो ऊपर जाएगा तो पहले a से कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos t बचेगा ऐसे, और ये ऊपर जाएगा फिर से देखिए क्या है ऐसे cos t है तो cos t इसके बटा में है cos स्क्वायर t तो ये रहेगा, लेकिन जो साइन स्क्वायर ये है कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा sin t हो जाएगा ना ऐसे। और यहाँ से क्या कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर है cos t यहाँ है cos स्क्वायर, तो ये इसमें से कैंसिल करेगा तो यहाँ बचेगा sin t डिवाइडेड बाई cos t, और इस तरीके से dy बाई dx इक्वल टू आया कितना, तो ये आया tan t, सही है ना। अब ये बताइए इसको तो भी रखे रहिए क्योंकि ये dx बाई dt है, अब ये बताइए ये क्या आया, तो ये आया dy बाई dx इक्वल टू कितना tan t। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि यहां पर तो वो लिखते हैं, इसके बाद देखिए लिखते हैं क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां भी लिखेंगे वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सही है। अब उनके दिमाग में ये सेट है, क्या सेट है कि वाई का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट किए और तो ये आ गया, तो इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना सेक स्क्वायर टी, और यहीं पर कर देते हैं गलत, क्या कर देते हैं गलत, क्योंकि ध्यान दीजिए इसको क्या करना है हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। देखिए आप लिखे भी हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर ये देखिए टेन तो टी का फंक्शन है ना, किसका फंक्शन है टी का, तो इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप ये नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा यहां पर ये देखिए लिखेंगे डी tan t by dx, यहां फिर समझिए ये dy by dx को अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को x के रेस्पेक्ट में किए तो dx dy by dx आया। अब इसको जब एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है d2y by dx स्क्वायर, लेकिन इधर ये t का फंक्शन है ना, और करना किसके रेस्पेक्ट में है x के रेस्पेक्ट में, तो ये लिखना पड़ेगा d tan t by dx, ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब बताइए कि क्या यहां फॉर्मूला सेट है, तो फॉर्मूला तो यहां सेट नहीं है क्योंकि टेन के एंगल में क्या है टी, और यहां पर है एक्स, तो यहां पर भी टी आएगा तो फॉर्मूला सेट होगा, तो ये लिख सकते हैं डी टेन टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब टेन का फॉर्मूला सेट है क्योंकि एंगल में जो है वो यहां गया, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, एंगल में टी है तो इनटू। अब ये डी टी बाई डी एक्स, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आपका ये आया है हमको क्या रखना है डी टी बाई डी एक्स, तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि ध्यान देंगे क्या है ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी है, तो ये हो जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और इस तरीके से ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस कॉस स्क्वायर को बटा में सेक स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और देखिए सेक स्क्वायर टी को रहने दीजिए इंटू वन बाई ए को वन बाई ए, एक साइन के बटा में एक कॉस इंटू वन बाई कॉस टी कर सकते हैं, समझ रहे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी मिल जाएगा, वो बटा में ए है तो बटा में ए है, कॉस स्क्वायर टी को कॉस टी इंटू कॉस टी कर दिए। अब ये बताइए ये सेक स्क्वायर टी इंटू वन बाई ए, इसके जगह टेन टी इंटू इसके जगह सेक टी हो जाएगा ऐसे, तो क्या लिख सकते हैं वन बाई ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक क्यू टी इंटू क्या आएगा टेन टी एंड दिस इज,
तो ये रहा कि x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, y इक्वल टू ए साइन टी जब दिया है तो उसे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ ही 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे डिफ्रेंशिएशन के, उन सभी का सोल्यूशन आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बढ़िया से चलता रहेगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।